खबर जालौन से, जहां पर तीन युवकों ने एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी दोनों युवकों ने बच्ची का अपहरण कर उसे साथ ले गए, जहां तीनों ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। मामले में परिजनों का आरोप है कि इस वारदात में 3 युवक शामिल हैं, लेकिन पुलिस 2 युवकों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है जो कि नाबालिग है। फिलहाल बच्ची अस्पताल में भर्ती है, पुलिस भी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो जालौन में 2 युवकों के खिलाफ पुलिस फिलहाल कार्रवाई कर रही है। इन पर आरोप है 5 साल की मासूम के साथ अगवा करने के बाद इन्होंने दुष्कर्म किया। 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, 1 युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। ये आरोप पुलिस पर लगा है। तो घर के आंगन के बाहर खेल रही थी मासूम, और उसी वक्त इन युवकों ने उसे अगवा किया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तो 5 साल के मासूम नवजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं जालौन से। नवजीत, ये कहां का वाकया है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पूरे मामले पर? अब एक बार फिर मानवता को संसार कर देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। 5 साल की बच्ची के साथ जो है वो गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि जो पीड़ित परिजन है उनके अनुसार 3 लोग जो है पूरी घटना में आरोपी हैं, लेकिन पुलिस पूरे मामले में लीपापोती करते हुए 2 लोगों को आरोपी बना रही है। जी, ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह पुलिस क्या बता रही है? क्योंकि परिजन तो आरोप लगा रहे कि 3 लोग थे जिन्होंने दुष्कर्म किया, अगवा किया, बावजूद इसके 2 लोगों पर कार्रवाई हो रही है, एक पर क्यों नहीं? मासूम के पिता के अनुसार पूरी घटना में गांव के ही 3 लड़के शामिल थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस जो है वो पूरे मामले को लीपापोती करते हुए ये कह रही है कि घटना की सूचना पर हम लोग जब पहुंचे तो जो हम लोगों ने जानकारी कलेक्ट की, जांच के अनुसार हमने 2 लोगों को हिरासत में लिया है गाँव से ही, और उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने जाँच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। क्या कोई दबाव है पुलिस पर नवजीत, जिस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है? देखिए, इस पूरी घटना में जब एएसपी खुद मौके पर पहुंचे और कई थानों की फोर्स देर रात मौके पर मौजूद थी, और ग्रामीणों ने भी, इवन पीड़ित के पिता ने भी बताया, हालांकि पीड़िता को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, और पुलिस जो है वो किसी तरह का राजनीतिक इसमें दखल, मुझे ऐसा लग रहा है, लोगों का ऐसा कहना है कि किसी तरह के राजनीतिक दबाव में पुलिस जो है वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, और 2 नाबालिगों को इसमें आरोपी बनाया गया है पुलिस द्वारा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।